मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपए है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको औसतन धनराशि दे उससे टोटल धन निकालें। औसतन मतलब 110 है, व्यक्ति 3 है, गुणा कर लो ये आएगा 330 टोटल। उनके पास टोटल 330 रुपए हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इनमें एक रिलेशन बनाते हैं। मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, ये मुकेश है, ये सोहम है, ये पंकज है। सबसे कम किसके पास है? पंकज के। तो इसको आप कुछ भी ऐसी संख्या मान लीजिए, मान लिया 10 मान लिया। अब उसने कहा सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। 50% अधिक धनराशि का मतलब होता है डेढ़ गुना। अगर इसके पास 10 है तो इसका डेढ़ गुना मतलब 15, और मुकेश के पास इससे डबल है तो हो गया 30। अब आप इसको ऐसे ही रखें, काटे पीटे ना, ऐसे ही रखें, इनको जोड़े 30, 15, 45, 10, 55। इन सबके पास 55 अनुपात के हिसाब से है, लेकिन संख्या के हिसाब से है 330। तो इस 330 को आप इस 55 से भाग कर देंगे, 11, 55, 30, 5, 6, 30। अब इसकी गुणा इसमें करोगे तो इसकी संख्या आएगी, इसमें करोगे तो इसकी संख्या आएगी, इसमें करोगे तो इसकी संख्या बन जाएगी 180, 90, 60। ठीक है बच्चों, अब उसने किसका पूछा है? मुकेश के पास कितनी धनराशि है? तो 180 रुपए उसके पास धनराशि है। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, हमारे पास टोटल 1400 छात्र हैं, ऐसे लिखें, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, तो इसका 25% निकालेंगे, 1400 का 25%, 25% 1/4 होता है, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 350 चश्मा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? हमसे किसका मान पूछा है? लड़कियों का। अगर हर सात में से 2 लड़के हैं तो इसका मतलब 5 लड़कियां हैं हर सात में से। इसका 5/7 करें तो लड़कियों का मान निकल के आ जाएगा, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा, 7 × 35, 5 × 25, तो 250 लड़कियां हैं 14 में से जो चश्मा लगाती हैं। एक्स का 10% वाई के 15% का 3 गुना है। एक्स का 10% बराबर है वाई के 15%, वाई के 15% का 3 गुना, इसका 3 गुना है। तो परसेंट से परसेंट काटो क्योंकि सब कुछ गुना में है। और यहां देखो कि एक्स, यहां 5 से काटो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, एक्स गुना में 2 बराबर वाई गुना में 9। जो एक्स के साथ है वो वाई का मान है, और जो वाई के साथ है वो एक्स का मान होता है। आपसे पूछा एक्स अनुपात वाई, तो 9:2 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन 2। विद इन सेकेंड कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? 36 मिनट भाई, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? तो दिन का, तो दिन नीचे जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या रहेगा? 36 बटे में एक दिन, दिन में कितनी मिनट होती है? 24 घंटे, हर घंटे 60 मिनट होती है, तो 24 × 60, और गुना में 100 करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। इससे से काटे तो 6×6 = 36, 6 × 6 = 24, तो 4 × 2.5 गुना हो जाएगा, तो 2.5% आपका निकल के आ जाएगा। 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है? तो ये देखिए क्या है, 0.6, लेकिन ये क्या है, 0.6%। परसेंट का मतलब होता है बच्चों बटे में 100, इसका मतलब ये 0.2 और इधर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 6, 1 और 1 = 2 इधर जाएगा, तो 0.006। यहां लिखो 0.006 अंतर निकालो, यहां 2 जीरो लगा लो, 10×6 = 4, यहां 9, यहां 5, 0.594, जो कि ऑप्शन 2 आपका बन जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं डिफरेंस। 1600 का 6 × 1/4%, इसका मतलब क्या है? 1600 गुणा में, ये क्या है, 6×24 = 25/4। अब इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, यहां 100 आएगा बच्चों, इससे 2 जीरो कट जाएंगी, 4×16 = 16, 25×4 हो गया 100। अब ऐसे ही यहां 2 जीरो इस परसेंट से कट जाएगी, 12×24 = 25, 8×25 = 2 बन जाएगा,
दो चौके 8, 25 चौके 100, दोनों को ऐड करना है और तो 200 मिलेगा, यही उसने पूछा था। ये प्रोसीजर की ट्रिक्स थी, बढ़िया लगी है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। थैंक्स टू ऑल।